आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी कोई भी इमेज, डिलीट हुई इमेज को वापस भी ला सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी होती है। वो आप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना बिल्कुल फ्री में, आपको वो फोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो। नॉर्मली आपको पता होगा एक गूगल फोटोज़ नाम की एप्लीकेशन होती है, उस गूगल फोटोज़ नाम के एप्लीकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि ये जो मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है आपको और यही वाले इमेज फ्रेंड्स, इसको अगर आप इस इमेज के जरिए गूगल फोटोज़ का इसका काम ही होता है फ्रेंड्स, बैकअप करना, बैकअप लेना। लेकिन इसके लिए जब इसको आप ऑन कर रहते हैं तभी आपका बैकअप ले पाएगा, आपके इमेज का आपके गैलरी से कोई फ़ोटो हो उसको बैकअप ले लेगा। फिर आपके फ़ोटो अगर डिलीट भी हो जाए तो आप वहाँ से इसको वापस ला सकते हैं बिल्कुल वही क्वालिटी में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो की जानकारी लेके आते रहता हूँ। जो चलिए फ्रेंड्स बताता हूँ कि कैसे किया जाता है इसको। नॉर्मली ओपन करना फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की इमेज अपनी बैकअप कर रखी है मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में बैकअप एंड सिंस, इसको आपको ये ऑफ रहेगा फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करते साथ आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा कि कौन से आप आईडी से इसको करना चाहते हो, तो मैंने इस आईडी से कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसके स्टोरेज के लिए आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स कि ये मेरे फ़ोन का जगह लेगा, आपके फ़ोन का जगह बिल्कुल भी नहीं लेगा, बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत से एक्सटर्नल जो होते हैं एप्लीकेशन के इसमें स्टोरेज दिया हुआ है फ्रेंड्स। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्टोरेज इसका सिनेमिक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखा देगा फ्रेंड्स कि आप इसमें कितने स्टोरेज होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स टोटल 15 GB स्टोरेज इसमें होते हैं, जिसमें से मेरा 14 GB बच रहा है फ्रेंड्स। मैंने इसमें 1 GB यूज़ किया है, बाकी 15 GB आपका है, 15 GB तक आप इसमें वीडियो, इमेज या फिर कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसको ऑन करने के बाद आपको एक सेटिंग करनी होगी, वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेलुलर डाटा बैकअप। अगर आप इसको इमेज को ओपन, इसको ऑन करना होगा आपको, अगर आपको फोटोज लेना तो, अगर आपको वीडियोस का भी बैकअप लेना है तो इसको वीडियोस को भी ऑन करना होगा। फिर इसे आपको कोई मूवी हो या वीडियो हो किसी तरह का भी हो आपको उसे भी ऑन करना होगा। फिर और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन रोमिंग में है तो आप उसकी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ पे रोमिंग में इसलिए मैंने इसे ऑन कर लिया है। बस ये थी इसकी सेटिंग्स फ्रेंड्स, आप इसकी मदद से आप कोई भी फोटो इमेज अपने बैकअप ले सकते हैं। आपकी गैलरी का कोई भी इमेज होगा आपको यहाँ पे बैकअप में आ जाएगा। अगर आपकी गैलरी में आप डिलीट भी इसे कर देते हो तो आप वो यहाँ पे आपको सेव मिलेगा बिल्कुल वही क्वालिटी में फ्रेंड्स। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे एक इमेज है, मैंने इसको बैकअप लिया है। देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा मेरा ये इमेज है, मैंने इसको बैकअप लिया। अगर आप यहाँ से डिलीट करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको पूछता है कि परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, मूव टू ट्रेस है इस तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इसको बैकअप करना हो यानी कि अपने गैलरी में वापस ले जाना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है ऊपर में, वहाँ से देखिए आप इसको ऐड टू एल्बम है, आप इसको यहाँ ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको डिलीट फ्रॉम डिवाइस है वहाँ से डिलीट कर सकते हो। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपके इमेज गैलरी में अब वो इमेज है या नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स थोड़ी सी। देखिए फिलहाल तो ये मेरी गैलरी में इमेज ये वाला है फ्रेंड्स, अभी आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे इसको डिलीट भी कर दूँ तो ये वो वाला गूगल फोटो से डिलीट नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको इसको नॉर्मली डिलीट कर दिया है, अब आपको दिखाता हूँ मैं गूगल फोटो से बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ होगा। देखिए फ्रेंड्स ये अभी भी यहाँ पर सेफ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी सेफ है, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। जब तक हम यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये हो नहीं सकता। और कुछ इसकी खास सेटिंग नहीं है फ्रेंड्स, आपको बस इतना ही करना है, उसके बाद आपकी कोई भी इमेज हो, गैलरी हो, कुछ भी वगैरह वगैरह आपकी वो सारी बैकअप हो जाएगी। इसके बाद आप अगर आपके आपसे गलती से कोई इमेज डिलीट हो भी जाती है तो आप इसको यहाँ से वापस कर बैकअप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, इसके बारे में साथ बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, नहीं जानते तो भी आप इस वीडियो की मदद से आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में। फ्रेंड्स ये सारे लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट में मिल जाएगी फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।